दोस्तों, अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी हैं तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर किसी पेशेंट को फीवर है, कोल्ड है या खांसी है, तो ऐसे केस में वो नोवेल कोरोना वायरस का या कोविड-19 के जो सिम्टम्स होते हैं उससे कैसे डिफरेंस है, कैसे सिम्टम के बेसिस पे वो ये जान सकता है कि उसको नोवेल कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है या नहीं है। तो ये वीडियो उसके आगे की वीडियो है, और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, ऊपर लिंक दिया हुआ है। और इसमें मैं बात करूंगा कि अगर किसी को नोवेल कोरोना वायरस पॉजिटिव आ गया या किसी का नोवेल कोरोना वायरस के पेशेंट से कांटेक्ट हो गया और डॉक्टर ने आपको होम आइसोलेशन के लिए बोला है, या आपको कोरोना सस्पेक्ट पेशेंट के तौर पे एडमिट कर लिया गया, तो आपको क्या करना है, कैसे आपको खुद को ठीक करना है, कैसे आपको अपना मॉरल बिल्डअप करना है और कैसे आपको दूसरों को इन्फेक्शन फैलाने से रोकना है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और जो भी पॉइंट्स में दिए गए हैं वो आपको हेल्प करेंगे आपको कोप अप करने में, आपको इस बीमारी से लड़ने में। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर किसी को फीवर है, हाई ग्रेड फीवर के साथ उसको ड्राई कफ है और उसके साथ साथ ड्राई कफ के अलावा टायर्डनेस है, तो ये सिम्टम आप एक दो दिन वेट कर सकते हैं, आप एक दो दिन तक अपने सिम्टम को वॉच कर सकते हैं। किसी भी टाइम अगर आपको ये लगता है कि आपके जो सिम्टम है वो वर्सन हो रहे हैं, जो आपके कफ है और फीवर है वो सबसाइड नहीं हो रहा है और आपको ब्रेथलेसनेस स्टार्ट हो गई, यानी कि सांस लेने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, जब भी आप सांस ले रहे हैं तो सीने में दर्द हो रहा है या सांस अंदर ले जाने में दिक्कत हो रही है, आपको ऐसे केस में अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। डॉक्टर आपको दो एडवाइस दे सकता है। पहली एडवाइस डॉक्टर आपको ये दे सकता है कि आपको होम आइसोलेशन या आपको क्वारंटाइन पे रख सकता है, या दूसरा ये कि आपको टेस्टिंग करा के एडमिट कर सकता है। अगर आपको होम आइसोलेशन के लिए बोला जाता है और आपको डॉक्टर आपके घर पे ही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देता है, तो आपको उन चीज़ों का, उन इंस्ट्रक्शन का बहुत ही अच्छे से फॉलो करना है। घर पर आने के बाद आप एक अपना रूम अलग कर लीजिए, और रूम अलग करने के बाद अपने जो भी जो बिलोंगिंग्स हैं, आपके टॉवल्स हैं, आपके टॉयलेट है, और इसके अलावा जो आपके कपड़े हैं और आपका जो बेडशीट है, जितनी भी चीज़ें आपकी हैं वो सारी आप अलग कर लीजिए। अपनी जो बिलोंगिंग्स हैं, अपने जो यूटेंसिल्स हैं, उनको दूसरों, बाकी जो घर के मेम्बर्स हैं उनको मिक्स मत करिए, उनके से मिलाइए मत, उनके साथ आप उठिए बैठिए नहीं, अलग कर लिए कुछ दिन के लिए, 12 से 15 दिन की बात है। उसके बाद जब आपको, अगर आप ठीक हो गए तो आप नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं, लेकिन ये 12 से 14 दिन जो आपको आइसोलेशन में रखा गया है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपको आपकी फैमिली से दूर करने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी फैमिली को आपके इन्फेक्शन से बचाने के लिए है। आप जो वायरस अपने बॉडी में लेके घूम रहे हैं, उस वायरस को आपके डियर वन से, आपके फैमिली मेम्बर से उन तक ना पहुंचे, उनको ये इन्फेक्शन ना हो, इससे बचाने के लिए है। तो जितने भी रूल्स हैं उनको स्ट्रिक्टली से फॉलो करिए। सब चीज़ मैं पहले की वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पूरी तरह से अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उनको आप देखिए। और अपने हैंड हाइजीन हुआ या मास्क लगाना हुआ, हर चीज़ को आप प्रॉपरली फॉलो करिए। मास्क कैसे लगाना ये भी मैं पहले बता चुका हूँ, वो सब भी वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगी, आप ऊपर आई बटन दे सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है खुद को इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, खुद को कैसे ठीक करें। आपको अपने सिम्टम्स को वॉच करना है, अपने सिम्टम्स को देखना है, अपने फीवर को रिकॉर्ड कर लीजिए। आप अगर फीवर आपका बढ़ा हुआ आ रहा है, आपका फीवर जो है 100 से ऊपर आ रहा है, तो ज़्यादा बढ़ने मत दीजिए। पैरास्टामॉल जो आपके डॉक्टर ने आपको डोज बताई है वो डोज में आप पैरास्टामॉल लीजिए, और अगर फीवर फिर भी ज़्यादा हो रहा है तो स्पॉन्जिंग करिए, गीले कपड़े से माथे पे, बॉडी पे, हर जगह करिए, फीवर आपका अपने आप कम हो जाएगा। स्पॉन्जिंग बहुत ही इफेक्टिव तरीका है फीवर को कम करने का। फीवर के अलावा अगर आपको कोल्ड है, नाक से पानी आ रहा है या नाक बंद है, कंजेशन है, सर में दर्द हो रहा है, तो इसके लिए आप स्टीम लीजिए। एंटी कोल्ड जो कैप्सूल्स आती हैं, एंटी कोल्ड जो टैबलेट्स आती हैं, जैसे कि हैटिक 3 आती है, सुनो कोल्ड, फ्लू कोल्ड, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपके डॉक्टर ने भी आपको कुछ लिखा होगा, आप वो टैबलेट लीजिए। इसके अलावा स्टीम का इन्हेलेशन करिए, जो कि घर में इजीली अवेलेबल है। स्टीम को आप गर्म करके किसी कपड़े से ढक के, कुछ भी डालने की उसमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पानी, सादा पानी लेके आप उससे स्टीम करिए, उससे देखिए आपको कितना फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा गले में अगर दर्द हो रहा है, सोर थ्रोट है, कुछ भी खाने में दर्द हो रहा है, कुछ निकलने में दर्द हो रहा है, तो आप
नॉर्मल सलाइन, पानी, बस पानी और नमक चाहिए, उसको लेकर गर्म करिए, उसको गर्म करके उससे गार्गल करिए, बीटाडीन गार्गल करिए। बीटाडीन अगर नहीं है तो नॉर्मल सलाइन ही काफ़ी है, पानी ही काफ़ी है, नमक ही काफ़ी है, उससे गार्गल करिए, उससे आपका गला का दर्द ठीक हो जाएगा। साथ में कुछ एंटीबायोटिक भी दिया होगा आपके डॉक्टर ने, कुछ एंटीबायोटिक्स या कोई और सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी दिया होगा, वो भी आप लीजिए। बॉडी में पेन हो रहा है, थकान हो रही है, रेस्ट करिए, आप फुल आराम करिए। आराम करने के साथ आपका जो डिहाइड्रेशन हो रहा है, जो आपके नोज़ जो बह रही है उससे जो पानी का लॉस हो रहा है, इन सब चीज़ों से आपको निपटने के लिए अपने हक को हाइड्रेट रखना है, खुद को पानी की कमी नहीं होने देनी है। उसके लिए खूब सारा पानी पीजिए, फ्रूट्स लीजिए, तरह तरह के ORS लीजिए, इसके अलावा जो और भी बहुत सारे नींबू पानी लीजिए, ये सब लीजिए। तो सिम्पटम की बात हो गई। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, वो कोई ज़रूरत नहीं है आपको बाहर जाके महंगी महंगी टेबलेट्स आने की। सिंपल सी चीज़ें जो घर में हैं, सबसे ज़्यादा जो इम्यूनिटी बढ़ाने में विटामिन सी का जो हेल्प होता है, विटामिन सी किस में होता है, आंवले में होता है। आंवले का मुरब्बा होगा घर पे, या आंवला होगा, या आंवला नहीं है तो नींबू ही तो होगा, नींबू पानी पीजिए सुबह शाम। इसके अलावा जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे कि आपका ऑरेंज हुआ, मौसमी हुआ, ये सब सिट्रस फ्रूट्स विटामिन सी का भंडार है। चलिए कुछ भी नहीं है घर में, ये भी नहीं है, लॉकडाउन है, कुछ मिल नहीं रहा है, तो टमाटर होगा, टमाटर में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, टमाटर का सेवन करिए, वो लीजिए। टमाटर में विटामिन सी के साथ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जब आपकी बॉडी और जो वायरस के बीच में लड़ाई होती है, जब कोशिकाएं लड़ती हैं, उससे बहुत सारे फ्री रेडिकल पैदा होते हैं। ये फ्री रेडिकल आपकी बॉडी को वीक करते हैं। इन फ्री रेडिकल को मारने के लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए। ये एंटीऑक्सीडेंट्स आपको घर की चीज़ों में मिल जाएगा, लहसुन है, आप चाय पीजिए तुलसी और अदरक डाल के। तुलसी एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स है, इसके अलावा एंटीबायोटिक भी काम करता है ये। और ये हल्दी वाला दूध बहुत से लोग पीते हैं, ये भी हेल्दी भी एक एंटीबायोटिक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके घर में मौजूद है, उनको लीजिए, इस्तेमाल करिए। इसके अलावा अपनी डाइट का ध्यान रखिए, ताज़ा फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल, ये सब लीजिए आप। जंक फूड और जो पैक्ड फ्रूट है वो सब मत लीजिए, जो भी चीज़ प्रिजर्वेटिव जिसमें पड़ा हुआ है वो सब मत लीजिए, जैसे कि आप ये सॉस हुआ, ये सब चीज़ें मत लीजिए, सिंपल चीज़ें खाइए। अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करिए कि आप ठीक होंगे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करिए, तभी आप ठीक होंगे, क्योंकि आपकी बॉडी में और आपकी बॉडी की जो कोशिकाएं हैं उनमें और वायरसेस में लगातार लड़ाई चल रही है, लगातार फाइट चल रही है। आपकी बॉडी उस वायरस से लड़ रही है, लड़ने में अपनी सारी कोशिकाएं लगी हुई हैं, और उन कोशिकाओं के लड़ने की वजह से ही वायरस जो धीरे धीरे करके मरता है। जिनकी इम्यूनिटी जीत जाती है वो ठीक हो जाते हैं, वो 80% लोगों में से होते हैं जिनके की सिम्टम माइल्ड होते हैं। आप भी उन 80% में से हो सकते हैं जिनके की सिम्टम माइल्ड होंगे, जिनके सिम्टम ज़्यादा सीवियर नहीं होंगे, जो कि ठीक हो जाएंगे। 80% में होने के लिए जो चीज़ें मैंने बताई उनको आप फॉलो करिए। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए कि आप ठीक होंगे। आपकी बॉडी के अंदर जो कोशिकाएं वायरस से लड़ रही हैं, ये कोशिकाएं आपकी आर्मी हैं, आपकी सेना है, आपकी पर्सनल सेना है। कोई भी जंग आप तब तक नहीं जीत सकते जब तक जो सिपहसालार है, जो सेनापति है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस ना हो, उसके अंदर हौसला ना हो। आप सिपहसालार हैं, अपने अंदर की जो बॉडी की सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, लड़ रही हैं, उनके सिपहसालार आप हैं। आपका कॉन्फिडेंस ही उनको जिताएगा। आप अगर कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ आप जीतेंगे, आप उन 80% में से होकर दिखाएंगे जो माइल्ड सिम्टम से ही ठीक हो जाते हैं, आप उनमें से होकर दिखाएंगे। ये कॉन्फिडेंस पैदा करिए आप। आपकी बॉडी एक अजूबा है, आपकी बॉडी एक मिरेकल है। कैसे कैसे रिएक्शन होते हैं इसमें, ये आपको नहीं पता। अगर आप खुद में कॉन्फिडेंट होंगे तो बॉडी भी वैसे ही रिस्पॉन्स करेगी, ऐसे केमिकल और ऐसी चीज़ें रिलीज करेगी, ऐसे जो साइटोकाइंस होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं इन इम्यूनिटी वाली सेल्स को वायरस से लड़ने के लिए। वो सब रिलीज होंगे और आप ठीक हो जाएंगे। 80% में आने के लिए आपको ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। आप ठीक हो जाएंगे तो आप खुद भी ठीक होंगे, साथ में आप आगे भी इस तरह के इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। उस सेम स्ट्रेन का अगर इन्फेक्शन आपको दोबारा होता है तो आपको कुछ नहीं होगा, कोई सिम्टम नहीं आएगा। अब दूसरे नंबर पे जो केस आते हैं वो हैं 82-98%। 82-98% केस ऐसे होते हैं जिनके सिम्टम थोड़ा सा सीवियर हो जाते हैं, मतलब ब्रेथ रेसिस्टेंस होना, इसके साथ टाइडनेस होना, हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन वो भी ठीक होते हैं, वो भी 98% ठीक होकर निकलते हैं। तो अगर आपको आपके डॉक्टर ने एडमिट होने के बोला है तो आप एडमिट होइए। अपने एडमिट होने के बाद अपने डॉक्टर के सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए, और जो भी आपको मेडिसिन दी गई है टाइम पर वो मेडिसिन लीजिए। और वहाँ पर भी आपको इस कॉन्फिडेंस को बना के रखना है कि आप 98% में ही होके निकलेंगे और आप ठीक होके निकलेंगे। आप परिश्रमा देखेंगे कि आप ठीक हो जाएंगे।
दोस्तों ये कोरोना वायरस एक दुश्मन है आपका, आप अपने दुश्मन को पहचान चुके हैं, आपके दुश्मन की क्या कैपेबिलिटी है, वो क्या कर सकता है ये भी आप देख चुके हैं, ये भी आप जान चुके हैं। लेकिन एक चीज़ उसकी कमजोरी है, इसका निशाना बहुत कमज़ोर है। 100 लोगों को अगर इन्फेक्शन होता है तो उनमें से 98% ठीक हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इसका सटीक निशाना नहीं है, अचूक निशाना इसका नहीं है। आपको भी उन 98% में से होकर निकलना है, आपको भी इस वायरस के अटैक से बचना है। आप तभी बच पाएंगे जब आपको जानकारी होगी। हम ड्यूटी कर रहे हैं, हम उन पेशेंट को भी देख रहे हैं जो सस्पेक्ट होते हैं कि इनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि हमें क्या करना है। हमें पता है कि अगर हमें नॉवल कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया तो हमें डरना नहीं है, बल्कि हमें ये चीज़ें करनी है ताकि हम ठीक हो जाए। आपको भी मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें, आप भी सीखिए और आप भी डरिए मत। हुआ है बहुत से लोगों को इन्फेक्शन हुआ है, बहुत से ठीक भी हुए हैं। जो ठीक हुए हैं वो भी इंसान है, आप भी उनमें से हो सकते हैं अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करिए। अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप एस्थमेटिक हैं, आपका अगर कीमोथेरेपी चल रही है, या आप स्टेरॉइड पर हैं, या आपको कोई और सीवियर इलनेस है, तो आप हाई रिस्क में हैं। ऐसे लोगों को अगर अभी तक कोई सिम्टम नहीं है तो आप लोग अपने आप को घर में बिल्कुल कैद कर लीजिए, बाहर मत निकलिए। और अगर इस तरह सिम्टम आए हैं आपको, या ऐसा कोई सिम्टम आपको फील होता है, तो आप अर्जेंट मेडिकल अटेंशन लीजिए, डॉक्टर की सलाह लीजिए और तुरंत से तुरंत अपना पॉसिबल ट्रीटमेंट जो है वो करवाइए। दोस्तों इस वीडियो में जो दी हुई जानकारी है वो आपको सभी तक पहुंचाना है। जो भी पेशेंट है जिनको नॉवल कोरोना वायरस का इन्फेक्शन पॉजिटिव आया है या जो सस्पेक्ट है उन तक पहुँचाना है। ये काम आपका है, अपने लिए, अपने देश के लिए, अपनी फैमिली के लिए। जो लॉकडाउन के जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करिए, घरों में रहिए। आप घरों में रहेंगे तो हम भी सेफ रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल हेल्दी चाय। थैंक यू।